हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते गाइस, वेलकम टू मॉमी जेस वर्ल्ड। गाइस अगेन, टाइटल से तो वैसे ही आपको पता है, तो आई एम बैक विथ अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, एक बहुत ही अवेटेड वीडियो ऑन माय चैनल। यस, 3 साल के बाद आई एम शेयरिंग माय फुल एंड फाइनल रिव्यू ऑफ माय सीमेंस डिश वॉशर, जिसे सिर्फ मेरे क्लोज मेरे फ्रेंड्स जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं और मेरे क्लोज वंस हैं वही जानते थे। आई नेवर पोस्टेड एनी पिक्चर ऑफ दैट एनीवेयर, क्योंकि मैं फिर फुल फ्लेज आपको एक वीडियो बनाना चाह रही थी अपने एक्सपीरियंस के बाद। तो आफ्टर माय 3 इयर्स, मोर देन 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नाउ आई एम शेयरिंग। सो आर यू गाइस रेडी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो पहले आप देख लीजिए मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, और फिर मैं आपसे फिर से मिलूंगी आपके FAQs के साथ, जो हम सबके सवाल होते हैं, जो इंडियन के सवाल होते हैं अबाउट इंडियंस एंड द डिश वॉशर, लाइक द इंडियन मेंटालिटी एंड द डिश वॉशर, वेदर डिश वॉशर इज मेंट फॉर इंडियन किचन और नॉट। इन सारे सवालों के जवाब, आप कितनी लिक्विड यूज करता है, ज्यादा लगती है, कम पानी लगता है, ज्यादा पानी लगता है, बहुत खर्चा होता है, क्लीन होते हैं या नहीं बर्तन, सिर्फ यही बर्तन डाल सकते हैं, वो नहीं डाल सकते, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू डिश वॉशर्स, ऑल डिश वॉशर्स। गाइज प्लीज, पहली सॉरी बोल रही हूँ, वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, मैं अपनी बकबक कम करूंगी, बट बेयर विद मी। आपको डिश वॉशर के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके जो भी मिथ्स है, डाउट्स है अब तक, तो आपके सारे सवालों के जवाब रिलेटेड टू डिश वॉशर, ऑल अबाउट डिश वॉशर इन इंडियन किचन, वो मिलेगी आपको इस वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको डिश वॉशर्स के बारे में कुछ भी डाउट है तो। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में है आपके कमेंट्स डाल सकते हो। मैं एक अलग से Q&A का वीडियो बनाऊं और आपके बाकी जो भी डाउट्स होंगे वो आपको फेस टू फेस सॉल्व करूं, या फिर आप फेस टू फेस आपको उनके जवाब दूं। तो चलिए विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज माय नन अदर देन माय सीमेंस डिश वॉशर, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, एंड इसके मॉडल नंबर एंड एवरीथिंग आई मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, तो आपको सारी डिटेल्स वहां से मिल जाएंगी, तो यू कैन चेक इट आउट। ओके, हमने 2018 में बाय किया था, वी बॉट इट फ्रॉम विजय सेल्स, एंड सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अमेजोन पे इसका जो भी अगर मॉडल नंबर अवेलेबल होगा तो, या फिर मॉडल नंबर मेंशन कर दूंगी, सो यू कैन चेक इट आउट। इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिश वॉशर। And guys, when it comes to dishwashers, guys, the only brand, the leading brand is Siemens. I will highly always recommend Siemens. So you can go for Siemens if you are planning for a dishwasher. And guys, इसके लिए आपको additional कुछ नहीं चाहिए होता है, जैसे आपको washing machine के लिए जो vents चाहिए होते हैं। It's 50 ampere socket which is needed for the dishwasher, जैसे washing machine के लिए required होता है, and पानी का जो outlet होता है, इनलेट एंड आउटलेट है। ये मेरा डिश वॉशर जो है ये सिल्वर कलर का है, इसका यहाँ पे जो फिल्म होती है ना वो अभी तक मैंने नहीं निकाली है, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये मैंने अभी तक नहीं निकाली है, इट्स अ सिल्वर कलर, बट ये मेरे किचन के साथ थोड़ा गोल्ड मैच होता है ना, इसीलिए मैंने नहीं निकाला, जरूरत नहीं पड़ी। दिस इज हाउ इट लुक्स। तो गाइज, ये अभी मैं इसको स्विच ऑन कर दिया है, आई एम जस्ट शोइंग यू, लुक एट दिस, दिस इज द डिजिटल डिस्प्ले ऑफ अ डिश वॉशर। ये ऐसा डिस्प्ले होता है डिश वॉशर में। सो गाइज, ये इसके सारे मोड्स होते हैं जिसमें हम वॉश करते हैं, और ये सारे इसके भी दूसरे मोड्स के पार्ट होते हैं, आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट गोज। गाइज, उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ, तो ये कुछ चीजें हैं जो व्हेन इफ यू बाय अ डिश वॉशर यू विल नीड दिस। ओके, तो ये डिश वॉशर सॉल्ट होता है, यहाँ पे आप देख सकते फॉर्चून डिश वॉशर सॉल्ट, तो मैं ये यूज करती हूँ। एक्चुअली सीमेंस या फिर मोस्ट ऑफ द डिश वॉशर आपको फिनिश रेकमेंड करते हैं, तो यू कैन सी फिनिश, या फिनिश की चीजें काफी कॉस्टली होती है, एंड मैंने ट्राई किए थे डिफरेंट ब्रांड्स, तो उसमें से बेस्ट आई फाउंड फॉर्चून। इनफैक्ट फॉर फिनिश से भी ज्यादा बेटर रिजल्ट मुझे फॉर्चून से आए, इसीलिए आई एम स्टिकिंग टू फॉर्चून, एंड कॉस्ट वाइज ऑल्सो इट्स वेरी इकोनॉमिकल। तो दिस इज इन पैक ऑफ टू एज यू कैन सी, तो ये 1 केजी का है, आपको एक टाइम पे एक पैक यूज हो जाता है, तो इट्स पैक ऑफ टू फॉर 200 रुपीज। ओके, 200 बक्स, तो ये पैक ऑफ टू है, तो 100 रुपीज का आपको 1 केजी पड़ता है, एंड वेयर इन फिनिश का इज बिट प्राइसियर, सो इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन गो, बट आई डोंट थिंक कि सॉल्ट कोई डिफरेंस करता है, एंड दिस वर्क्स फाइन, आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर लाइक नाउ, पहले 1 साल तक मैंने फिनिश यूज किया, देन आई थॉट ऑफ कि मैं ट्राई करती हूँ कोई और भी ब्रांड्स, आई विल टेल यू द रीजन व्हाई डिड आई टेक दैट डिसीजन। तो फिर मैंने फिर फॉर्चून ट्राई किया, रिव्यूज देखने के बाद थे कुछ अच्छे बुरे रिव्यूज, 50-50 रिव्यूज थे फॉर्चून के लिए भी कि अच्छा नहीं है नॉल, बट आई
thought ke let me give it a try and I trust me I just loved it. Okay, so it's very good. ये जो है guys, this is salt as I said. ये आपके पानी के hardness के ऊपर होता है कि आपके area में कितना hard पानी है. But still salt अगर नहीं भी है तो भी it's okay. But otherwise then you will get marks on your utensils जब वो धुल के आएंगे. तो इसीलिए I would recommend salt to everybody. And again this is rinsate. Rinsate is what? इससे आपके बर्तनों को जो है ना shine मिलती है. You know it gives that shine and it also helps your utensils in drying. तो ये उसमें help करता है. And ये finish का ही I have tried. Finish का ही try किया मैंने, कोई और brand try नहीं किया है. और finish का अच्छा है. Okay, so I'm using this. और ये काफी normal, minimal, reasonable rates है इसके. तो it's that. मैं सारे रेट्स एंड एवरीथिंग ना अभी बोलते वक्त स्क्रीन पे आपको फ्लैश हो जाएंगे. ओके, एंड दिस इज फिनिश की जो है डिशवॉशर डिटर्जेंट पाउडर विच वी कॉल डिटर्जेंट, जो कि मस्ट अगेन जो मस्ट होती है वॉशिंग के लिए. जैसे कपड़ों के लिए डिटर्जेंट होता है, तो डिशवॉशर में जब आप बर्तन धोते हो तो यू नीड अ डिटर्जेंट. तो दिस इज फिनिश डिटर्जेंट विच कम्स इन मेनी वेरियंट. तो उसमें से ये एक लेमन वेरियंट है, ये अच्छा है. इसका एक प्लेन वेरियंट आता है जिसका कैन व्हाइट कलर का होता है, मैंने वो यूज किया था पहले, वो ही करती थी. बट इट यूज टू यू नो स्टिंक. तो आपकी मशीन से ना थोड़ी सी स्मेल आती थी सुबह, मतलब वो अलग ही स्मेल होती थी. तो एकदम मेरे हस्बैंड बोलते थे कैसी गंदी सी स्मेल आती खोलने पर. तो इट्स दैट. तो आई देन ट्राइड दिस वन एंड दिस वन वर्क फाइन. देन फिर इसके प्राइसेस थोड़े से हाई चले गए. फिर मैंने सोचा कि कुछ जुगाड़ कर ढूंढना पड़ेगा, यू नो इट कांट टेक ओवर योर कॉस्ट. तो दैट्स वाई देन आई केम अक्रॉस फॉर्च्यून एंड आई एम जस्ट लविंग 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 इट. ढाई साल से मैं फॉर्च्यून यूज कर रही हूँ अभी. एंड दिस इज फॉर्च्यून का डिटर्जेंट जिसके बारे में मैं आपको बोलूँ, जो मैं यूज करती हूँ. इवन दिस हैज दिस फ्रेश सिट्रस सेंट. तो इससे भी आपका यू नो वैसी जो बदबू जो मैंने कहा था ना इससे आती वैसी नहीं आती, और इससे भी नहीं आती. ओके, व्हाइट वाला जो इसका वेरियंट है जो थोड़ा सा इससे कम प्राइसी है तो उससे आती थी, इससे नहीं आ रही थी. बट इसका प्राइस हाई हो गया एंड इट वेंट आउट ऑफ स्टॉक एंड आई वेंट फॉर दिस फॉर्च्यून. ओके, सो फॉर्च्यून का फिर डिशवॉशर मैंने ट्राई किया डिटर्जेंट. अगेन इट्स डैम गुड एंड इट कॉस्ट यू अराउंड 220 रुपीज फॉर 1 kg. और इसका 1 kg ट्रस्ट मी इट गोज अराउंड यू नो 1 से 2 महीने. 1 महीने के लिए नहीं, मुझे 2 महीने चले जाता है बिकॉज आई रन ओनली वंस इन अ डे. मेरे डिशवॉशर को मैं सिर्फ दिन में एक बार यूज करती हूँ. सो गाइज, तो ये है डिटर्जेंट फॉर्च्यून का एंड दिस इज रियली गुड. तो ये मुझे चले जाता है अराउंड यू नो 2 months के अराउंड. ये मुझे आराम से 2 से 3 महीने में यूज कर लेती हूँ, ट्रस्ट मी. येस, एंड दैट्स. और मैं एक ही बार यूज करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया दिन में. मैं रात में सिर्फ अपने सारे यूटेंसिल्स जो एक ही बार लगाती हूँ. थोड़े बहुत बच जाते हैं तो मैं हाथ से वो धो लेती हूँ, कोई बिग डील नहीं है. बट लाइक काफी सारा काम जो है कट, मतलब 70-80% आपका जो बर्डन है बर्तनों का वो इससे यू नो पूरा सॉर्ट हो जाता है. एंड यू नो यू गेट सो मच ऑफ हेल्प, 70-80% वर्क इट डज. सो जस्ट आई जस्ट लव इट एंड नाउ आई कांट सर्वाइव विदाउट इट. तो ये इट्स दैट गुड गाइज. तो इट्स हाईली रिकमेंडेड अगर पॉसिबल है तो. ओके, सो यू कैन ऑलवेज हैव अ डिश वॉशर इन द हाउस एंड ये छुट्टी भी नहीं मारता आपकी डोमेस्टिक हेल्प की तरह. हाइजीन मेंटेन कर सकते हो आप लाइफ में, जो मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी होता है. तो कम ऑन, आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स. ना मैं आपको डिशवॉशर के बारे में बताती हूँ, इंट्रो देती हूँ कैसे था. मैं कुछ नए मैं पिक्चर्स भी इंसर्ट करूंगी गाइस, जो मैंने पहले काफी ले रखे थे. मेरे फ्रेंड्स वगैरह मांगते थे तो उनको दिखाने के लिए कि क्या धुलता है, कैसे धोती हूँ, क्या क्या करती हूँ. मैं आपको आगे दिखाऊंगी जब मैं बोलते वक्त, अगर जैसे आपको वो उस बारे में बात करूंगी ना तो वो पिक्चर्स इंसर्ट कर दूंगी. काफी पुराने वाले पहले वाले हैं. सो गाइस, डिशवॉशर अंदर से जो है ऐसे दिखता है. ओके, तो यू कैन सी दिस. तो ये पीछे वॉल्स थोड़ी सी गीली है. तो एक्चुअली आज मुझे क्लियर करना था, वीडियो बनाना था, तो मैंने इसे जल्दी शाम को लगा लिया था, इसीलिए अदरवाइज ये थोड़ा ड्राई अप हो जाता है. तो ये पीछे, और आप देख सकते हो इसकी स्टील की बॉडी है 3 तरफ एंड नीचे इट्स फाइबर आई गेस प्लास्टिक. तो ये 12 प्लेट सेटिंग्स का डिशवॉशर है. तो आई डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी जो भी है डिटेल्स रिटर्न में. तो ये ऐसे आता है. तो गाइज, ये 2 रैक्स होते हैं इसमें. ओके, तो ये एक रैक है. अब एज यू कैन सी, ये जो आप हमारी ट्रॉलीज होती है ना जिसमें हम बर्तन रखते हैं, समवॉट लाइक दैट. तो ये वैसी ट्रॉलीज है, आप देख सकते हो. तो ये वो है. ओके, तो ये ऊपर वाली ट्रॉली जो है नॉर्मल जो मग्स कप्स छोटे बर्तन जो हल्के गंदे होते हैं, प्लेट्स छोटी सी या आपकी कटलरी जो होती है ये उसके लिए होता है. इसके साथ एक कटलरी ट्रे भी आता है, उसका भी फोटो इंसर्ट कर दूंगी, आप देख लोगे. पर उसका कुछ यूज नहीं होता, मैंने जब से आया उसे ऊपर रख दिया क्योंकि उतनी जगह नहीं होती. आपकी कटलरी जो है ना गाइज वो आराम से एकदम यहाँ पे रह जाती है. एंड ये जो होते हैं ना ये इसके जेट फैंस होते हैं. ओके, यहां से पानी आता है और आपके जो सारे बर्तन जो है ना वो इससे धुलते हैं. ओके, इस फोर्स से, इस पानी के. तो ये ऊपर पानी जो है स्प्लैश करता है.
एंड यहाँ पे ऐसे दो फैंस होते हैं गाइस, ओके, ये नीचे एक और ये एक जो है आपकी इस ट्रॉली पे, ओके। तो अगर आपके पास कभी ऐसे होता है ना कि बर्तन कम है और आपको स्टिल धोने हैं, और इसी में आपके बर्तन जो है फिल कर आप रखोगे एंड आप मोड सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे मोड्स होते हैं अलग, जैसे हमारी वॉशिंग मशीन के मोड होते हैं ना, वैसे ही सेम मोड्स इसमें होते हैं। तो ये नीचे वाली ट्रॉली में ही बर्तन रखने हैं उस वक्त। आप चाहो तो ऊपर वाली ट्रॉली निकाल भी सकते हो, बट कोई जरूरत नहीं होती, और हाफ लोड में, और फिर आपको अपना जो आपको साइकिल चाहिए वो रन करना होता है। आप ये जो फैंस है ना दोनों ऊपर और नीचे जेट फैंस, ये भी निकाल के अगर चाहो तो क्लीन कर सकते हो उसके जो होल्स वगैरह है, ताकि क्लॉग ना हो कभी, बट मैं ऐसा नहीं करती। सो गाइस, ये मैंने फिर से ऑफ कर दिया था, तो अभी ऑन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है डिशवॉशर को, तो यू कैन सी दिस। तो ये इसके सारे मोड्स है, ओके, तो दीज आर द मोड्स। तो ये ऑन ऑफ का पावर जो नॉब होता है, पावर बटन, तो ये है ऑन ऑफ के लिए। ये इंटेंसिव प्लस, यानी कि जो सब बहुत 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 ज्यादा चिकने बर्तन होते हैं ना, जैसे हम दिवाली में तलते हैं या फिर ऐसे फेस्टिवल्स में कुछ हैवी खाना बनता है बहुत ज्यादा, तो उस वक्त के लिए आपको जो है ये मोड आप यूज कर सकते हो गाइस, इंटेंसिव प्लस। देन अगेन एक्सप्रेस स्पार्कल, इससे आपके बर्तनों को शाइन, अच्छी शाइन आपको चाहिए तो ये मोड आपको सेलेक्ट करना है, जस्ट नीड टू प्रेस इट, ओके। देन ऑटो, ऑटो क्या होता है, ये मिक्स लोड के लिए ऑटो जो है, यानी कि आप जो रोजमर्रा के आपके बर्तन होते हैं वो आप डालते हो, जिसमें प्लास्टिक या कुछ कुछ को नॉर्मल सी हल्की फुल्की चीजें होती है, तो उसके लिए होता है ऑटो। तो ऑटो जब आप करते हो ना, तो व्हाट हैपेंस, ऑटोमेटिकली ना मशीन जो है सेंस कर लेती है व्हाट टाइप ऑफ यूटेंसिल्स आर इनसाइड, और उसके बाद जो है इसका टेम्परेचर सेट होता है, और उस पानी के टेम्परेचर में ये बर्तन धुलते हैं, तो ऑटो इसके लिए होता है। और इको, अगेन इको इज इकोनॉमिकल जैसे आप बोल सकते हो, तो उस इको एंड ऑटो इज ऑलमोस्ट दे डज द सेम जॉब, ओके। एंड देन और ये जो होता है ये क्विक इन द सेंस 29-30 मिनट्स का सबसे क्विकेस्ट साइकिल होता है जब आप, लेकिन इसमें आपके बर्तन जो है ना ड्राई होके नहीं आते, इसमें सिर्फ आपके बर्तन धुलेंगे अच्छे से बट सूखेंगे नहीं, ओके। एंड प्री रिंस इज लाइक, अगर आप समझिए आपका घर पे आप बर्तन जो है सुबह से जैसे इकट्ठा करते हो और रात को एक ही बार साइकिल लगाते हो, तो इन दैट केस सूख जाते हैं कभी ना, तो आप चाहते हो कि एक बार उसको प्री रिंस दे दो, तो इन That case you can opt for the pre-rinse option, okay? तो ये pre-rinse है। तो ये tap का जो sign ही आपको यहाँ पे दिख रहा है, this is a water level, okay? मतलब ये आपका पानी आपको indicate करता है कि पानी का pressure अगर कम है ज्यादा है, तो ये light आपको यहाँ पे on हो जाती है, जो बहुत hardly एक आध दूसरी बार मेरे ऐसा हुआ था, जब बहुत ज्यादा एक बार पानी का कई टू और द नवी मुंबई प्रॉब्लम हुआ था तब, तो एक आध बार ऐसे कुछ हुआ था, तो that time I got to know कि यहाँ पे पानी का मतलब इश्यू था, तो अदरवाइज लाइट मोस्टली पॉप नहीं होती। एंड द अदर, दिस इज एस मीन्स सॉल्ट, तो अभी मेरे डिशवॉशर में सॉल्ट नहीं खत्म हो गया था, तो देखिए यहाँ पे जब भी सॉल्ट खत्म हो जाता है ना आपके डिशवॉशर में, तो इट विल ये लाइट चालू हो जाती है, तो जब आप ऑन करते हो तो देन यू विल कम टू नो कि आपको सॉल्ट डालना है, तो दिस वे इट इंडिकेट्स। और ये जो होता है ये स्पार्कल का, जैसे स्टार का साइन है ना, स्टार इन द सेंस शाइन, तो ये रिंसेड के लिए होता है, जब आपकी मशीन में रिंसेड खत्म हो जाता है तो दिस लाइट पॉप्स, जैसे अभी ये लाइट पॉप हो रही, क्योंकि रिंसेड भी नहीं है मेरे इसमें, मेरे मशीन में, तो इट्स पॉपिंग। तो अभी मैं जब दोनों डाल दूंगी ना, तो और आपको ऑन करके दिखाऊंगी, तब ये दोनों लाइट्स बंद हो जाएंगी, ओके। एंड गाइस दीज आर आवर्स एंड मिनट्स, ये टाइमर 1 hour 25 minutes इट टेक्स, तो ऑटोमेटिक टेक्स 1 hour 25 minutes, ओके, तो इतना टाइम लगता है। बट इसके साथ अगेन आपको मर्ज करना है सम दीज आर सम डिफरेंट मोड्स, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, ये स्टार्ट इन माइनस एंड प्लस जो आपको दिख रहा है ना, ये टाइमर है, अगर कभी आप बाहर हो या फिर आपके यहाँ पे ऐसा होता है कि इसी टाइम पे पानी आता है यू नो जल्दी, और अगर आप कभी सो रहे हो उठ नहीं पाए, तो आप यू कैन सेट द टाइमर और उस टाइम पे आपकी मशीन जो है स्टार्ट हो जाती है, तो दिस इज फॉर दैट टाइमर। और ये वेरियो इको इज बेसिकली, आप किसी भी मोड के साथ ये मोड सेलेक्ट करोगे तो दैट विल कट डाउन योर वाटर कंजम्पशन प्लस योर इलेक्ट्रिसिटी, जो मैं एवरीडे यूज करती हूँ ये वाला मोड विथ माई ऑटो और वेरियो, तो इट गोज लाइक ऑटो, तो अभी मैंने ऑटो किया है, ये जो मेरा डेली वाला मोड है, एंड यहाँ पे टाइमिंग है 125, तो इट विल डबल द टाइम, ओके, एंड बट इट विल रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी एंड द वॉटर कंजम्पशन। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये दो मैं कॉम्बिनेशन में, आप देखोगे दोनों लाइट्स फ्लैश हो रही है, ऑटो भी एंड वेरियो भी, राइट, तो इसका मतलब ऐसा है, देखिए टाइम बढ़ गया है। एंड दिस इज हाफ लोड मोड, तो अगर आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हाफ लोड अगर आप कर रहे हो अपने बर्तन, तो आपको ये मोड सेलेक्ट करना है, राइट, तो इट्स दैट वे। तो ये आप अपने दूसरे इसके साथ आपको जो है मर्ज करना है, कि आपको ऑटो में हाफ लोड करना है, या फिर आपको एक्सप्रेस में हाफ लोड करना है, या फिर आपको इको में हाफ लोड करना है, इट्स दैट वे, ओके। एंड देन दिस इज हाइजीन प्लस, नाउ ये क्यों होता है,
जो सारे बर्तन जो डिशवॉशर में धुलते हैं वो कम्प्लीटली सैनिटाइज होते हैं गाइस, बट दिस इज अगेन वन मोर यू नो फीचर ओवर योर हाइजीन प्लस। तो ये गाइस आपके बर्तनों को 99.9% यू नो डिसइंफेक्ट करता है इट क्लेम्स एंड इट मींस। एंड ये किस केस में काम आता है, आपके बच्चे छोटे बच्चे आपको बॉटल्स वगैरह स्टेरिलाइज करनी है, उनके बर्तन स्टेरिलाइज करने हैं, या फिर आपको आपके घर पे कोई बीमार इंसान है, पेशेंट है, उनके बर्तन आपको अलग से धोने स्टेरिलाइज करने हैं, इन दैट केस यू कैन यूज दिस। एंड ये इसका स्टार्ट बटन है, यानी कि ऑन ऑफ करके आप सिर्फ ये ऑन हो जाएगी, जब तक आप ये स्टार्ट नहीं प्रेस करोगे मशीन स्टार्ट नहीं होगी। एंड अगेन इट इज द रीसेट बटन एज वेल, जैसे अगर अभी आपने समझिए गलती से अभी मैंने इको सिलेक्ट कर रखा है जबकि रोज मैं ऑटो करती हूँ, और मैंने स्टार्ट कर दिया, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, और मैंने जस्ट स्टार्ट कर दिया तो मशीन ऑन हो जाएगी अब, लेकिन मुझे फिर ध्यान आ रहा है मैंने तो इको सिलेक्ट किया है, तो अगर मुझे रीसेट करना है तो मुझे इस बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना होगा, तो यहाँ पे टाइमिंग जो है 0 हो जाएगा और यहाँ से जो है ये सेट निकल जाएगी सेटिंग, और फिर आपको जो मोड सिलेक्ट करना है आप वो सिलेक्ट कर सकते। तो दिस वे इट वर्क्स। ओके, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप प्लीज मुझे पूछ सकते हो, तो अभी मैं आपसे बात करती हूँ फेस टू फेस अगेन, और जब सारे बर्तन जब मैं इसमें लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी उस वक्त मैं आपसे और बात करूंगी डिटेल में कि कैसे बर्तन रखने हैं, क्या करना है, ओके, कौन से बर्तन धुलेंगे नहीं धुलेंगे व्हाटएवर, वो अभी मैं आपसे बात कर। अभी हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि हमें जो है डिटर्जेंट कहाँ पे डालना होता है, और रिनसीड कहाँ डालना होता है, सॉल्ट कहाँ डालना होता है, कैसे करना होता है, मैं सारा कुछ आपको पूरा लाइव डेमो दिखा रही हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये है फॉर्चून का, अभी मैं सारे पैकेट्स आप ही के सामने खोल रही हूँ। ये गाइस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये डिटर्जेंट है फॉर्चून का, तो ये ऐसे नॉर्मल हमारे रेगुलर डिटर्जेंट की तरह ही दिखता है। तो ये मैं यहाँ पे, ये एक स्पून है ऐसी जो उसके साथ कोई स्पून नहीं आता, यहाँ पे 2 लेवल्स बने हुए हैं आप देख सकते हो, तो आपको ये फर्स्ट लेवल तक, अगर आपका लोड कम है तो आप फर्स्ट लेवल तक डालिए। मैं एक ये चम्मच भर के जो है ना स्पून, 1/2 टेबल स्पून का मेजरमेंट है अराउंड, तो ये उस चम्मच से मैं इसे ये इस लेवल तक डाल देती हूँ, फर्स्ट लेवल तक, तो ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। बस इसे रेगुलरली ऐसे ये बटन को आपको दबाना होता है, प्रेस करना होता है, और फिर ये जो शेल्फ है ना डिटर्जेंट वाला कंपार्टमेंट, ये खुल जाता है, और फिर बस आपको पुश करना होता है और फिर वो बंद हो जाता है, और जब भी खोलना है तो आप उसको प्रेस कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो ये रिनसेड वाला, ये वाला साइड जो है ये रिनसेड का है, तो ये ऐसे ब्लू लिक्विड होता है एज यू कैन सी, तो इसे आपको बस फिल करना है यहाँ पे ये टॉप तक, जहां तक ये इस लेवल तक, ये जो आपको दिखाऊंगी मैं अभी। और गाइज ये आपको ना, आपको 1.5-2 महीने में एक बार डालना पड़ता है रिनसेड, और जो इस लेवल तक ये जो लाइन है ना, इस लेवल तक बस आपको रिनसेड भरना है एंड इसे बंद कर देना है, और जब ये खत्म हो जाएगा, मैंने आपको कहा था कि वो लाइट जो है पॉप होती है वहां पर गाइज। और गाइज आप ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये जो है इसका मेश है, जाली जैसे हमारी सिंक में होती है वैसी ये उसकी जाली होती है, जिसे जाली कहते हैं। अब ये दो पॉइंट्स एरोज जो एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं ना, मतलब ये प्रॉपरली फिट है, लॉक है, इन्हें अलाइन होना चाहिए, दैट मीन्स इट्स लॉक। अब देखिए ये आपको दिखेगा, मैं इसमें कोई झूठा नहीं डालती, बट स्टिल थोड़े से ऑयल ऑयल के स्टेन्स होते हैं ना, तो वो उसकी वजह से गंदी हो जाती है, बस ऐसे ही इसे अंदर हमें फिट कर रही है। देखिए ये ऐसे आपको बस घुमाना है और ये एरोज जो है अलाइन करना है, सामने सामने होने चाहिए, दैट मीन्स इट्स लॉक्ड। और ये जो कंपार्टमेंट आप देख रहे हो, ये जो तो ये है, यहाँ पे सॉल्ट डलता है गाइस, तो 1 kg पूरा सॉल्ट इसमें डलता है, यहाँ पे पानी होता है, तो डोंट हैव टू वरी। पहले मुझे भी ऐसे लगता था, ओ माय गॉड यहाँ पे तो पानी है, सॉल्ट कैसे जाएगा, बट नो आप पूरा पैकेट उसमें पोर कर सकते हो, अभी आप देख लोगे यहाँ पे आगे। तो ये देखिए रेगुलर सॉल्ट की तरह दिखता है, मोटा मोटा सा जो सॉल्ट है ना, वो आपको अराउंड 6 मंथ्स चला जाता है, मतलब ओके गाइस, तो ये इसका मेश है, ओके ये देखिए ये मैंने निकाल लिया है, तो इसी से सारा जो है फिल्ट्रेशन होता है, जो आपके फूड डिपॉजिट्स वगैरह जो होते हैं वो, जैसे हमारे सिंक में स्ट्रेनर होता है वैसे ही यहाँ पे। एंड इट्स रिकमेंडेड लाइक एवरी 10 डेज अराउंड आप इसे 15 डेज आप निकाल के क्लीन करो, यू नो एक बार जस्ट टैप के नीचे रन कर लो, बट इन विच केस, इन केस इफ यू आर नॉट पुटिंग एनी फूड इनसाइड, जैसे कि मैं सारा फूड स्क्रेप कर लेती हूँ पहले से ही डिश वॉशर में लोड करने से पहले, तो इसीलिए मैं इसे यू नो काफी टाइम बाद मैं 1 मंथ के बाद या ऐसे निकाल के, बिकॉज कुछ डिपॉजिट होता ही नहीं इसमें, बट ये ऑफकोर्स द ऑयल जो निकलता है एंड थोड़े बहुत जो फूड डिपॉजिट्स होते हैं, आई शो यू, आई गिव यू अ क्लोजर लुक इफ यू कैन सी, थोड़े से ऑयल यू नो डिपॉजिट्स आपको ये दिखेंगे। दे रिकमेंड यू के मतलब पानी के नीचे आप रन कर लीजिए, बट नो आई विल रिकमेंड ऑलवेज कि आप इसे जो आपका ना लिक्विड डिश वॉश होता है ना जो आप यूज करते हैं, बस उसी से और स्पॉन्ज से या फिर हार्श स्क्रबर मत यूज करिए, स्पॉन्ज से आप इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए और फिर आप इसे रनिंग वाटर के नीचे धोके फिर यू नो अंदर प्लेस कर दीजिए। यहाँ पे मैं भी आपको दिखा रही हूँ कि मैं डिश वॉशर को कैसे लोड करती हूँ या फिर रेगुलरली इसे कैसे लोड करना है,
तो ये देखिए ये कप्स है मेरे चाय के, ये मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको बेटर रहेगा दिखाऊंगी, आपको दिख जाएंगे जहां जहां स्टेन्स है। तो ये देखिए मैं कैसे इसे कप्स को, सारी चीजों को आपको उल्टा रखना होता है, मतलब मेन मोटो ये होता है कि इसमें डिटर्जेंट और पानी जो है अच्छे से लग सके, क्योंकि आपने देखा है फैन नीचे की तरफ होते हैं। तो ये देखिए प्लेट कितनी ऑयली है, कटलरी जो है यहाँ पे मैं ऊपर रखती हूँ, ये मेरा पीलर रखा है मैंने, मेरा बेलन रखा है, ये भी बर्तन ऑयली है, ये आपको लाइट्स की वजह से चमकते हुए दिख रहे होंगे, बट ये सारे, ये देखिए प्रेशर कुकर का लिड कितना ऑयली है, उसकी मैंने विसल निकाल के ऊपर रखी और लिड मैं बाद में यहाँ पे नीचे रख दूंगी, और ये आधा मैं बाद में फिर से लोड कर दूंगी ऊपर। अब ये नीचे जो है मैं बड़े बर्तन जो रखे हैं मैंने वो लगा रही हूँ यहाँ पे, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये प्लेट वगैरह, बड़ी प्लेट्स के लिए आपको नीचे ये जो जगह दी गई है, ये मेरा 13 प्लेट्स का डिशवॉशर है गाइस, सीमेंस का मॉडल नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा। ये मेरी एल्युमिनियम की कढ़ाई है जो मैं रेगुलरली यूज करती हूँ, तो ये मैं डालती हूँ यहाँ पे, और ये तवा भी मेरा एल्युमिनियम का है, उसके अलावा ये मैं डालती हूँ, बाकी मेरे पास कुछ एल्युमिनियम अभी है नहीं जो मैं इसमें डालती हूँ। तो ये आप देख सकते हो प्रेशर कुकर का भी मैंने बर्तन ढक्कन जो है ऊपर बैक अपसाइड डाउन रखा हुआ है, तो नीचे की तरफ फेस करके, ये कुकर का डब्बा है, ये ऑयल की बोतल है मेरी, ऑयल डिस्पेंसर, और ये देखिए आप देख सकते हो मैंने एक स्टील की बोतल भी रखी है यहाँ पे नीचे प्लेट्स, और ये देखिए ये कितना, ये रेस्टोरेंट वाला जो सब्जी का डब्बा होता है वो है, और ये सारी जो अरब की दिन में दो दो तीन तीन बॉटल्स, ये लोग, मैं स्टील की बॉटल प्रेफर करती हूँ उसे देना, तो ये दो दो तीन तीन बॉटल्स होती है, तो ये है, तो ये मैं रेगुलर पहले भी रोज के रोज धोती थी, ऐसे नहीं है कि बॉटल्स गंदी होने पर मैं धोती थी, पर एवरी डे आई यूज टू क्लीन। ये मेरा देखिए बॉन चाइना का नमकदानी है मेरा जो है, और ये देखिए मैंने लोड कर दिया है, तो ये इतना सारा लोड ले लेता है, काफी सारा ले लेता है ये। अब मुझे, मैं यूज टू, आपको मैं आगे पिक्चर्स इंसर्ट कर दूंगी, और ये होने के बाद ना आप देखिए आपको ये करना होता है, आपको देखना होता है कि कोई फैन कहीं पे, कोई बर्तन से अड़ तो नहीं रहा कहीं पे, ये हर्डल तो नहीं है कोई, ऐसे आपको चेक करना होता है ऊपर के फैन के साथ भी नीचे। अब देखिए मैंने एडजस्ट की एक प्लेट और फिर मैंने बॉटल्स को नीचे दबा दिया, एंड फिर मैं अभी नीचे का फैन भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये थोड़ा बस कि इतना करना होता है आपको बिना भूले, ये देखिए ये फैन नीचे का मैंने पकड़ लिया, मैं इसे घुमा रही हूँ, तो जब अगर ये बिना कहीं अटके घूम रहा है दैट मीन्स इट्स ओके। और ये देखिए ऑयल वगैरह गिरा है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये सारा क्लीन होके पूरा फ्रेश एंड क्लीन एकदम आपका डिशवॉशर मॉर्निंग में जब आप अनलोड करोगे तो आप देख सकते हो। तो ये मैं यहाँ पे साइकिल सेलेक्ट कर रही हूँ, ये मेरा रेगुलर वाला साइकिल है, पहले मैं इको यूज करती थी, फिर अब मैं ऑटो करती हूँ, क्योंकि सारे मिक्स्ड बर्तन होते हैं ना इसमें, तो ऑटो में वो सेंस करता है कि अगर प्लास्टिक्स है कुछ है तो उस अकॉर्डिंग, तो वो ऑटो एक परफेक्ट होता है। इको जो है ना गाइज, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता है, लेकिन आपको अगर ये फंक्शन कब काम आता है, जब आप उसको वेरियो मोड जो मैंने आपको बताया बाजू में, देखिए लाइट फ्लैश हो रही है, उसके साथ कंबाइन करते हो। और ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग, वरना इसमें से स्टीम निकल, आप तुरंत अगर इसको खोलोगे बंद होने पर, तो ये सारे बर्तन इतने गर्म होते हैं कि अगर आप हाथ लगाओगे तो आपको चटका लगेगा, इतने गर्म होते हैं और इसमें इतने गर्म गर्म स्टीम होती है, तो यू हैव टू वेट। ये देखिए ये खुल गया है लिड और ये सारी पाउडर खत्म हो चुकी है। जब आपका पानी का प्रेशर कम होता है ना, तो वहां पे पाउडर होती है, तो उस केस में आप एक बार ना जो आपका 25 मिनट्स का जो क्विक वाला साइकिल होता है ना, वो आप रन कर सकते हो अगर कभी ऐसा होता है तो। ऐसा मेरे साथ एक आध बार हुआ था जब पानी का प्रेशर कम था तब। और ये देखिए वो ऑयली वाली प्लेट, ये देखिए ये रेस्टोरेंट वाला डब्बा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना साफ और स्पार्कलिंग है। ये विसल, ये मेरे टी के मग्स जो मेरे दिन में घर में होते हैं एवरीडे के। और आपके अगर किसी बर्तनों पे स्टिकर वगैरह है तो वो भी इस पर अगर आप डालो तो निकल जाता है, फिर बाद में आपको हाथ से थोड़ा रब करके उसका गम निकालना होता है, दैट्स इट, वो भी लूज हो जाता है। और ये देखिए मेरा ऑयल की जो बॉटल है ग्लास वाली, वो ये देखिए आपको दिख रहा है कि इस पे कहीं पे ऑयल, मैंने आपको दिखाया था ये ऑयली थी, राइट। अब आप ये देखिए, लुक एट द शाइन ऑन द यूटेंसिल्स, ये सारे ड्राई होके बाहर आए, थोड़ा बहुत पानी रह जाता है जब आपके बर्तन हॉलो। ये प्रेशर कुकर देखिए आप, ये पुराना है, ये कोई नया नहीं है, अभी ये पुराने प्रेशर कुकर है मेरा जो मैं रेगुलर अभी 4-5 साल से यूज कर रही हूँ। ये मेरा चाय का बर्तन है, तो लुक एट दिस, इसे मैंने स्क्रेप करके डाला तो ये अच्छी तरह से निकल गया, अदरवाइज अगर आप ऐसे ही डालोगे तो वो नहीं निकलता। ये मेरी रेगुलर रोज की लंच की प्लेट है, लंच डिनर में जो हम यूज करते हैं। ये ग्लास का लिड है मेरे नॉनस्टिक का, नॉनस्टिक भी मैं इसमें डालती हूँ सारा कुछ, नॉनस्टिक के जो मेरे वंडर शेफ के यूटेंसिल्स है, कुछ नहीं होता उसका, नीचे वाला जो एल्युमिनियम पार्ट है ना उस पर थोड़ी सी ब्लैक सी लेयर आ जाती है, बट फिर वो क्लीन हो जाता है। और ये देखिए प्लेट्स, देखिए कैसे स्पार्कलिंग शाइन। और ये मेरी एल्युमिनियम
नमक की कढ़ाई। अगर आपको लग रहा होगा कि साइड में ऑयल वो दिख रहा है, तो वो ऑयल नहीं है, वो ऐसी उस पर एक स्टेन्स है। तो आपको मैं हाथ लगा के दिखा रही हूँ, देखिए कंप्लीटली ड्राई, नो ऑयल का कोई नामो निशान नहीं है, कुछ नहीं, एकदम क्लीन एंड क्लियर। आपने देखा था ये कितनी गंदी थी जब मैंने अंदर डाली थी। ये वॉटर बॉटल्स आप देख सकते हो, दे आर ऑल्सो स्पार्कलिंग क्लीन। और ये देखिए मेरी रोज की स्पून्स, फोक्स। तो ये इतना सारा कुछ मैं हाथ से पहले करती थी कंटिन्यूस, रात को दो दो तीन तीन बज जाते थे मुझे सब क्लीन करने में। उसके बाद किचन की मेरी, मैंने आपको डीप क्लीनिंग दिखाई है, वो मेरी रेगुलर वाली क्लीनिंग है। तो गाइज ये जो मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ ना, ये किसी और दिन की है। तो जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरा लॉट है। और ये देखिए मिक्सर में ना पानी इसीलिए जमता है क्योंकि जहां पे हॉलो होगा ये पानी, वहां उस बर्तन पे जमेगा, मतलब वहां पे पानी कलेक्ट होगा, तो आपको उसे निकाल के फेंकना होगा। तो ये देखिए, तो ये मेरा रेगुलर किसी और दिन का लॉट है, तो जिस मैंने क्लिप निकाल के रखी थी। और ये उस दिन की इमेज है जिस दिन मेरा डिशवॉशर आया था, तो ये मैंने जिस तब इमेज ली थी। तो ये देखिए इसके अंदर आप अगर जूम करके देखोगे ना, तो यहाँ पे पॉज करके, तो ये कटलरी ट्रे है, वो जो नीचे बॉक्स की तरह रखा हुआ है वो, और जो फिनिश लिखा हुआ है वो दो टैबलेट्स है। उसके आगे मैं आपको इमेजेस दिखाती हूँ कि वो कैसे दिखते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल दैट आप एक ही टैबलेट यूज कर सकते हो। और ये देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये 5 किलो का डब्बा मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तो उतना कैपेसिटी का बर्तन अंदर चला जाता है। ये मेरा दूध का बर्तन है जो मैं स्क्रेप करके डालती हूँ, तो ये साफ होके निकलता है उसके बाद। और ये मेरी देखिए पुराना फूड प्रोसेसर का जार दिखेगा आपको, तो ये काफी पुराने फोटोज है जो मैं शेयर कर रही हूँ। और ये व्हाइट वाला डिटर्जेंट है जो मैं आपको कह रही हूँ, तो ये आप कभी मत यूज करिए, आई विल नॉट रिकमेंड दिस, इससे स्टिंक होता है डिशवॉशर में, स्मेल आती है अजीब सी। और ये जो है ना गाइज, ये टैबलेट है, आप पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारा कुछ एक ही में होता है, डिटर्जेंट, रिंसेड और सॉल्ट, तो आपको अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं होती, बट ये काफी प्राइसी होता है गाइज, सो यू कीप दैट इन माइंड। और ये जो है 30 टैबलेट्स के पैकेट आते हैं, तो ये आपको मंथली 30 टैबलेट्स लगने ही लगने, क्योंकि आप इसे तोड़ के बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप इसे डालो। ये पूरे एक पैकेट में होता है, आपको ये खोलना नहीं होता, एज इट इज आपको वो जो जहां पे डिटर्जेंट हम डालते हैं ना, बस वहां पे एक टैबलेट ये जो है डालनी होती है। कि मैंने बेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब रिगार्डिंग डिश वॉशर्स आज तक मैं बना रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो गाइज प्लीज, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। ओके गाइज, सो कम ऑन नाउ, लेट मी स्टार्ट विथ योर FAQs, आपके सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज पहला सवाल मैं लूंगी, लोगों को यूजुअली ये सवाल होता है कि इज डिश वॉशर मेंट फॉर इंडियन किचन। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 3 साल का, कि मैं बोल रही हूँ कॉन्फिडेंटली दैट इट इज मेड ओनली एंड ओनली फॉर इंडियन किचन। यस, ये मेरा एक्सपीरियंस है 3 साल का, क्योंकि हमारे अपनी ग्रीजी कुकिंग वगैरह जो होती है वो शायद अब्रॉड इतनी नहीं होती, यूज लेस ऑयल, और हमारे यहाँ पे इतने फेस्टिवल्स होते हैं, खाना पीना होता है। तो ट्रस्ट मी, इट इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर क्लीनिंग योर यूटेंसिल्स। तो ये हमें इसके हिसाब से होता है, ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी। तो ये सवाल आपका मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ, विदाउट एनी डाउट इट इज परफेक्ट फॉर इंडियन किचन। एंड नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, लोगों को लगता है कि बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, बहुत सारा पानी वेस्ट करता है, इसमें बहुत सारा पानी लगता है। तो नो, अगेन इट्स अ बिग नो। तो गाइस डिश वॉशर जो है 10 लीटर से ज्यादा पानी यूज नहीं करता, फॉर इट्स वन वॉश। ओके, एंड ट्रस्ट मी, एनी चांस आप मेरे को प्रूफ दे सकते हो कि आपके जो हाउसमेट्स आते हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ आता है, उनसे तो ये बहुत काफी 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 कम है। ये मैं भी जानती हूँ, ये आप भी जानते हैं, राइट? ये प्रूफ करने की मुझे कोई जरूरत नहीं कि हम मैन्युअली जो पानी यूज करते हैं टैप्स वगैरह तो ज्यादा लगता है, बट डिश वॉशर इज लाइक इंटेलिजेंट गैजेट, इंटेलिजेंट मशीन। तो ये सेंस करता है, इट ओनली यूजेस 10 लीटर ऑफ वाटर, नॉट मोर देन 10 लीटर ऑफ वाटर। सो गाइज डिश वॉशर यूजेस लेस वाटर एज कम्पेयर टू योर मैनुअल हाउसकीपिंग स्टाफ। तो गाइज अब चलते हैं थर्ड सवाल की तरफ, कि ये इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज करता है। तो लेट मी गिव यू माय एक्सपीरियंस, मैं आपको बताती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से जो 3 साल का है। तो इट माइट राइज, ऑफकोर्स इट विल, इट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी, बट ट्रस्ट मी, जैसे लोगों को जो डरा के रखा हुआ है या फिर लोग जो डरते कि बहुत ज्यादा बिल आता है, तो आई टेल यू आपके यूसेज पे भी होता है। जैसे आई यूज ओनली वंस अ डे, तो मैं एक ही साइकिल कौन सी रन कर रही हूँ उस पर भी डिपेंड करता है कि पानी कितना टेम्परेचर पे गर्म होता है। तो उसके लिए भी डिश वॉशर प्रिपेयर होता है कि आप कौन सी साइकिल यूज करो जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आए। वो प्रिपेयर है कि आपको कौन सी साइकिल में कितना बिल, आपके यूसेज पे डिपेंड करता है हाउ यू यूज इट। मंथली माई बिल इज नॉट मोर देन 500
अप हुआ है, मतलब जो रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी बिल होता था, और जब से मैंने डिश वॉशर यूज करना स्टार्ट किया है एंड आई यूज एवरी डे जस्ट एक ही बार बट वंस अ डे दैट टू, तो राइज इन माई इलेक्ट्रिसिटी बिल इज नॉट मोर देन 500, यस, एंड वो भी कम है. ओके, तो गाइज आई कवर इट फर्दर, आपको बताती हूँ कि वो कैसे कम है. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं. गाइज द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसके साथ बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड होती, बहुत सारे बहुत एक्सपेंसिव चीजें रिक्वायर्ड होती है. अगेन दैट डिपेंड्स कि आप किस चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कैसी चीजें प्रिफर कर रहे हो. इफ सी आप ऑलरेडी आप देख के आ गए हो कि क्या क्या चाहिए होता है डिश वॉशर के लिए, इट्स डिटर्जेंट, इट्स रिंसेड, इट्स सॉल्ट, तीन चीजें एकदम मस्ट होती है. अगेन देर आर ब्रांड्स विच गिव गुड एंड रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स. तो ये अगर हम डिवाइड करें इन सारी चीजों को, फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू कि 200 रुपीज का सॉल्ट होता है, जो 2 केजी होता है, 1 केजी देन इट विल कॉस्ट यू 100 रुपीज, जो आपको 6 महीने या 5 महीने में एक बार डिपेंडिंग ऑन द हार्डनेस ऑफ योर वाटर डालना होता है. उसके अलावा रिंसेड होता है, उसकी प्राइस को आप आधा कर लीजिए. यहाँ पे मैं कैलकुलेशन स्क्रीन पे डाल दूंगी. तो गाइज तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं पूरा 100% काउंट कर रही हूँ, टोटल राउंड फिगर काउंट कर रही हूँ 500. देन सॉल्ट जो 5 मंथ्स में एक बार यूज होता है उसे भी मैं काउंट कर रही हूँ हाफ का, 1 केजी का, जो कि मैंने आपको कहा कि 5-6 मंथ्स में यूज होता है, बट आई टेक हाफ ऑफ दैट. रिंसेड का भी मैं हाफ यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ. डिटर्जेंट का भी मैंने आपसे कहा क्या इट यू आई यूज इट फॉर 3 मंथ्स बट स्टिल आई काउंटेड फॉर 2 मंथ्स या फिर 1 मंथ भी कर लीजिए, पर हाफ में अगर यहाँ पे डालू तो इसका टोटल जो आता है तो दैट इज अगेन लेस देन वॉट यू आर हाउस कीपिंग या फिर आपकी जो मेड आती है या फिर आपकी जो डोमेस्टिक हेल्प आती है वो लेके जाती है एवरी मंथ, उससे भी ये कम है. एंड वी ऑल नो लाइक द डोमेस्टिक हेल्प एक चीज का दे चार्ज अराउंड 1000 bucks, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मुझे पता है मेरी फ्रेंड्स के थ्रू, तो मैं आपको बता रही हूँ. तो कहीं पे भी ये ज्यादा नहीं है एक्सपेंस आपकी हाउस कीपिंग स्टाफ के मंथली जो आप पे करते हो उससे, राइट. दिस इज हाउ आई फाइंड इट मोर अफोर्डेबल एंड इकोनॉमिकल देन यू नो हायरिंग अ डोमेस्टिक हेल्प. तो ये मेनी थिंकिंग है, तो इट्स अगेन अप टू यू. द नेक्स्ट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि इसमें कौन कौन से यूटेंसिल्स, कौन कौन से बर्तन आप डाल सकते हो. तो गाइज यू कैन यूज एवरीथिंग अदर देन वुड, आप इसमें नहीं डाल सकते. गुड क्वालिटी फिर भी आप इसमें डाल सकते हो, बट आई विल नॉट रिकमेंड. मेरे चॉपिंग बोर्ड्स एक दो क्रैक हो गए थे तो आफ्टर दैट मैं नहीं डालती, बट मेरी बेलन जो है वो मैं रेगुलर डालती हूँ और उससे कुछ नहीं होता बिकॉज इट्स ऑफ आई थिंक गुड क्वालिटी वुड, तो उसे कुछ नहीं होता. स्पून वगैरह भी मैं डाल देती हूँ बट चॉपिंग बोर्ड एक्सेट्रा नो आप मत डालिए. एंड देन आप आपके कॉपर, ब्रास, एंटीक्स जो होते हैं आपके, आप वो इसमें नहीं डाल सकते. जैसे रोज गोल्ड कलर की चीजें, आपकी गोल्ड कलर की चीजें भी अगर है तो वो आप सब इसमें नहीं डाल सकते. व्हाट यू कैन पुट इज आप इसमें स्टील यूटेंसिल्स डाल सकते हो, आप इसमें प्लास्टिक डाल सकते हो, गुड क्वालिटी प्लास्टिक, जो माइक्रोवेव प्रूफ प्लास्टिक जो होता है अच्छी क्वालिटी वाला, वो आप डाल सकते हो. आप ग्लास डाल सकते हो, मैं एल्यूमिनियम में डाल देती हूँ बट क्योंकि ऑलरेडी इज डैमेज तो मैं डाल देती हूँ, बट आप नहीं डाल सकते. आपको बता दें उसका शाइन चला जाता है, उस पर अलग सा स्टेन आता है तो वो थोड़ा सा मैट हो जाता है रोदा एंड सिर्फ, बट मैं आई पुट इट बट यू कांट पुट एल्यूमिनियम इन साइड. आप अपने नाइफ्स और सीजर्स नहीं डाल सकते, मैं वो भी डाल देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं आया 3 साल में. मुझे आदत है पहले से, नहीं नॉट जस्ट बिकॉज आई हैव अ डिश वॉशर मैं सब डाल देती हूँ, मुझे पहले से आदत है. इवन वेन आई यूज टू डू इट माई सेल्फ हाथ से रात रात भर, मुझे आदत है मेरी नाइफ सीजर्स एवरीथिंग, मेरी जो गर्म चीज उतारने वाले उसे क्या कहते हैं पकड़ हमें कहते हैं, तो होल्डर जो होता है वो सारा कुछ मैं रेगुलर बेसिस पे क्लीन करती हूँ, तो इसीलिए मुझे आदत है एंड आई पुट इट. तो ये आप पे डिपेंड करता है अगेन गाइस. तो ये सारी चीजें हम डाल सकते हैं. तो एक्चुअली आई स्विच फ्रॉम एल्यूमिनियम टू स्टील जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि अब उसके बाद अगर मैं फिर यूज ही नहीं करूंगी वो बर्तन जो मैं इसमें डाल सकती हूँ तो फिर मेरा यूज क्या है, तो इसीलिए आई स्विच. तो गाइस ऑल दिस थिंग्स है जो डूज एंड डोंट्स है, आप डाल सकते हैं और नहीं डाल सकते. उसके अलावा आप अपने छोटे बच्चों की बॉटल स्टेरिलाइज कर सकते हो इसमें, बाकी सारी चीजें भी, खिलौने वगैरह अच्छी क्वालिटी के गुड क्वालिटी प्लास्टिक आप इसमें डाल सकते हो. आप इसमें लो क्वालिटी प्लास्टिक जैसे कि वो हनी के डब्बे होते हैं वो सब आप इसमें नहीं डाल सकते. आप इसमें ग्लास डाल सकते हो कोई भी क्वालिटी का, बट आप इसमें कोई प्लास्टिक के हनी वाले या फिर मसाले वाले जो डब्बे होते हैं नमकीन आते हैं वो आप इसमें नहीं डाल सकते. आप रेस्टोरेंट से जो डब्बे आते आप वो इसमें डाल सकते हो. ओके, तो दिस इज इट. अब क्या डाल सकते हैं क्या नहीं डाल सकते. नाउ लेट मी टेक अ लास्ट पॉइंट गाइस. ये बहुत ज्यादा साउंड करता है तो इसकी नॉइज बहुत होती है, तो नो
अगेन फाइल की एग्जाम्पल, ये उतना ही साउंड करता है जितना आपकी एक ऑटोमेटिक मशीन करती है ना, वॉशिंग मशीन, थोड़ा बहुत कम शायद उससे, बट ये उतना ही साउंड करता है। एंड आई यूजली पुट इट फॉर वॉश एट, मैं नाइट का साइकिल यूज करती हूँ, मतलब मैं रात में मेरा सारा काम होने के बाद आई पुट इट यू नो, मैं ऑन कर गो टू स्लीप, फिर मैं जब मॉर्निंग में उठती हूँ तो आई गेट माई फ्रेश लॉट ऑफ यूटेंसिल्स स्पार्कलिंग क्लीन एंड वॉश्ड। सो गाइज मिसलेनियसली सारे थोड़े बहुत पॉइंट्स ऊपर ऊपर कवर करती हूँ। अगर आप सिंगल हैंडेडली यूज करते हो तो ये ज्यादा ड्यूरेबल रहेगा, यानी अगर आप ले रहे हो और आप अपनी हाउस कीपिंग या फिर आप अपनी डोमेस्टिक हेल्प से या फिर चार पांच लोग हैं आपकी फैमिली में और आप यूज कर रहे हो तो देन आई एम डाउटफुल कि मतलब आप कैसे हैंडल करते हो इसे, बिकॉज आई नेवर हैड एनी कंप्लेंट सिंस लास्ट 3 ईयर्स इन माई डिश वॉशर बिकॉज आई हैंडल इट सिंगल हैंडेडली। और अगेन आपको जो है इसमें सारा जूता जो आपकी प्लेट्स में होता है वो निकाल के फ्लोर करने होते हैं बर्तन, जो मैंने कवर कर लिया ऑलरेडी वीडियो में आपको बता दिया है, तो उस तरह से आपको कुछ फूड पार्टिकल्स अंदर नहीं डालने होते, तो दैट्स अगेन अ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। एंड अगेन वन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, सिर्फ चाय का जो हमारा पॉट होता है और दूध का पॉट होता है वो ये पूरी तरह से ऐसे 100% आपको लगेगा ना वैसा क्लीन नहीं होता। मैं स्क्रेप करती हूँ मलाई सारी एंड आई पुट इट, तो वो तो मैं हाथ से भी पूरा बर्तन क्लीन करके डाल सकती हूँ, बट आई स्टिल फॉर मोर नो हाइजीन आई पुट इट इनसाइड पूरा स्क्रेप करके, अदरवाइज वो दो चीजें आप अपने हाथ से कर लोगे तो दैट विल गिव यू बेटर रिजल्ट। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी सारा कुछ क्लीन हो जाता है 100%। ऑयल से आप अगर किसी बर्तन को ऑयल में डुबा के फिर आप उसमें डालोगे तो भी वो एकदम स्पार्कलिंग क्लीन आएगा, इट्स माय गारंटी। पॉजिटिव, कौन से बर्तन इसमें साफ होते हैं कौन से बर्तन इसमें साफ नहीं होते, जो बर्तन आप इसमें ठीक से प्लेस नहीं करते वो साफ नहीं होते, बाकी सारे बर्तन जो आप इसमें प्रॉपरली लोड करते हो वो सारे साफ होते हैं। ऐसे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, दो टाइप के लोग, जो एक सोचेंगे यार झंझट है इसमें बर्तन डालना, वो फिर जितनी देर में हम वो सारा जूठा निकाल के स्क्रेप कर दे उतनी अंदर डाले उतनी देर में तो हमारे बर्तन साफ हो जाएंगे हाथ से ही, तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। जिन्हें डिशवॉशर में इंटरेस्ट है और जो जानना चाहते हैं डिशवॉशर क्या है, अगर यूजफुल है या नहीं, तो उन्हीं वीडियो है। सो गाइज व्हेन इट्स कम टू डिशवॉशर द लीडिंग ब्रांड इज सीमेंस, आई विल नॉट रेकमेंड एनी अदर डिशवॉशर देन सीमेंस, इट्स योर कॉल, बट व्हाटएवर इज माय बेस्ट एक्सपीरियंस टिल टुडे, 3 साल के बाद मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ गाइज, तो आप समझ सकते हो आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो, तो यू टेक योर कॉल आपको कौन से में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड बट आई विल ऑल्सो से इट्स अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। यस, तो आप अपना जो हार्ड अर्न मनी है तो आप सोच के इन्वेस्ट करिए आपको किस ब्रांड के साथ जाइए, बट आई विल ऑलवेज रेकमेंड सीमेंस एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पे सीमेंस बाय करते हो तो यू नॉट गोना रिग्रेट। यस, तो गाइस ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो प्लीज मेक नोट आउट ऑफ इट, इट्स अ डिस्क्लेमर, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो प्लीज ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक फॉलो करना चाहते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। गाइज अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिए, और मैं जल्दी वापस आऊंगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मॉमी जी साइनिंग ऑफ, बाय।